सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कुकिंग इजी विद ममता और बेल बटन पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फेस्टिवल स्पेशल बहुत ही सुंदर मिठाई की रेसिपी। अगर आपको ये तरबूज के शेप के मिठाई को देखकर लग रहा हो कि ये बनाना बहुत ही मुश्किल है, जी ऐसा नहीं, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहे। काफ़ी इजी रेसिपी है, बस आप घर पर आराम से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तरबूज मिठाई रेसिपी। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें एक कप बादाम को हम पीस लेंगे। जार का ढक्कन लगाकर इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह का पाउडर बन जाएगा ये। अब हम गैस जलाकर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई बिठा देंगे। 1 टीस्पून काले तिल को हल्का रोस्ट कर लेंगे। इन काले तिलों को हम तरबूज के मिठाई पर सीड्स की तरह यूज़ करेंगे। तिल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम गैस का फ्लेम जलाकर मीडियम आँच रखकर फिर से वही कढ़ाई बिठाकर 1 चम्मच घी दे देंगे और 1 कप दूध। फिर इसको 1 उबाल आने तक हम पका लेंगे। दूध में उबल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें दे देना है पीसी हुई बादाम। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो करके इसे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। और फ्लेवर के लिए मैंने 2 इलायची को कूटकर दे दी है। अब 2 मिनट के बाद हमें 1/2 कप चीनी मिलाकर इसे अच्छी तरह पका लेना है और गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है। इसे हमें 2 मिनट अच्छे तरह पकाने के बाद दे देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को भी हमें अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम आपको लो रखना है। हमें ऐसे ही 3-4 मिनट तक मिक्स कर लेना है। इसे हमें 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। अब ये मिक्सचर जो है हमारा सॉफ्ट भी हो गया है और घी छोड़ने लगे हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फैला देते हैं इसे प्लेट पर ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे आप एक बार गूंथ लीजिए और 3 हिस्सों में इसे बांट दीजिए। 3 हिस्सों में हमने बांट दिया है इसको। अब मिठाई बनाने के लिए हमने पहले हिस्से को ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरे हिस्से पर हमने 2 या 3 ग्रीन फूड कलर डालकर इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे हमें वाटरमेलन का सबसे बाहर वाला लेयर बनाना है। हमारा ग्रीन वाला मिक्सचर तैयार है। इसी तरह हमें तीसरे हिस्से को भी 1 चम्मच रोस्टेड काले तिल और रेड फूड कलर मिक्स कर लेंगे। को भी अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे तरबूज वाले मिठाई बनाने के लिए तीनों कलर के मिक्सचर बनकर तैयार है। अब इनके बॉल्स बना लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे मिठाई बनाने के लिए सारे बॉल्स बनाकर रेडी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि रेड बॉल और वाइट बॉल से थोड़ा ज़्यादा ग्रीन बॉल को बड़ा रखना होगा। हमारी तरबूज मिठाई बनाने के लिए सारे बॉल्स रेडी है। अब चलिए मिठाई बना लेते हैं। सबसे पहले हमें ग्रीन बॉल को एक पूरी की शेप में बना लेना है। फिर हम वाइट बॉल्स को भी लेकर एक ग्रीन बॉल से भी थोड़ी छोटी एक पूरी बना लेंगे। फिर आप एक रेड बॉल लेकर वाइट वाली पूरी में लपेट दीजिए। ठीक से राउंड शेप दे दीजिए दोबारा। अब हम इस वाले को ग्रीन वाले पूरी से लपेट देंगे।
अच्छे से राउंड शेप दे देंगे इसे। अब हमारा वाटरमेलन का एक बॉल्स बनकर तैयार है। इसी तरह से बाकी के तरबूज के बॉल्स को भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है बनाना, आसानी से हो जाएगा। ये देखिए हमारे सारे बड़े बॉल्स बनकर तैयार है। इसे सेट होने के लिए अब हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, हमारे बॉल्स अच्छे से सेट हो गए हैं। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। इसे एक शार्प नाइफ लेकर 4 पीसेस में कट कर लीजिए। ये बिल्कुल वाटरमेलन के जैसे आपको दिखेंगे। ये देखिए मिठाई कितने सुंदर लग रही है। इसी तरह हम बाकी मिठाई को भी कट कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे तरबूज जैसे दिखने वाली मिठाई बनकर तैयार है। ये दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में भी उतनी ही ये ज़बरदस्त है। आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हो उन्हें तहे दिल से धन्यवाद।